उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। खैर ये जी हमारे पास फ्रोनस का इन्वर्टर रिपेयर होने के लिए आया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये रिपेयर हो चुका है। एक इसकी डीसी एमपीपीटी की पावर सप्लाई ये बर्न हुई थी, इसके अंदर जो GD30 है वो बर्न हो गया था, वो हमने रिप्लेस किया है क्योंकि इसके वापडा साइड के IGBT टोटली ब्लास्ट हो चुके थे और इसका ये जो स्विचिंग IGBT था वो भी ख़राब हो चुका था। सो ये बार बार बर्न हो रहा था, इसकी पावर सप्लाई यहाँ से हाई हो रही थी। हमने जी इसका ये 104 का PF, इधर डायोड J3 और यहाँ पे जो दो लगे हुए W के डायोड, ये रिप्लेस किए हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेट हो गया रिपेयर्ड। पहले मैं सोच रहा था इसकी यहाँ से पावर सप्लाई वोल्टेज हाई कर रही है जिसकी वजह से हमारा ये जल रहा है, लेकिन वोल्टेज हमारे नॉर्मल आ रहे थे 14 और ये नेगेटिव वोल्टेज भी आराम से बन रहे थे। अब ये जो ऑप्टोकपलर था यहाँ पे भी इसको उतार के पहले इसकी टेस्टिंग करके फिर हमने दोबारा ऑप्टोकपलर लगाया, उसके बाद जाके मैंने ये चीज़ें रिप्लेस करके मैंने ओके किया, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम ओके हो गया था। और इसका ये DC सेक्शन भी बर्न हुआ था, ये DC सेक्शन भी हमने नया किया।